हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। में स्निग्धा आप सबको स्वागत करती हूँ मेरा इस चैनल स्निग्धा डायरी में। आज हम लोग आए हैं पास में एक फ्रूट्स गार्डन में। हम लोग लेने के लिए आए एप्रिकॉट एंड चेरीज। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए वो बच्चा है, उसका मम्मी जो है हमको एप्रिकॉट निकाल के दे रहे हैं, हम चेरी ले रहे हैं। हम मार्केट से लेने से अच्छा है इन लोग के पास से ले रहे थे, क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वीट लगता है। हम लोग एक शॉपिंग मॉल है जहीं से मार्केट से हम लोग लाते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने हमको लेकर आए यहीं से, क्योंकि ये जो गार्डन है हमारे घर से थोड़ा 20-25 मिनट्स का रहता है एंड बहुत अच्छा लगता है। देखिए वो लोग इस तरह से निकाल के बकेट के अंदर में निकाल के लाते हैं एंड हम लोग देते हैं। यह आपा है, इनके गार्डन में ना आप ग्रेप्स मिलेगी, एप्रिकॉट है, आम चेरी है, एप्पल भी है। मैं एप्पल जाके आपको दिखाती हूँ, मतलब बहुत तरह तरह का चीज़ें है यहाँ अंदर। 7-8 वराइटीज का फ्रूट्स आपको मिलेगी एंड आप देख सकते हो। तो चेरी का भी आपको 2 वराइटीज है यहाँ पास का। जो चेरी है मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत छोटा छोटा है, देखिए। नमस्ते तो इस तरह से यहाँ पे रहता है, इस तरह से आप लोग इन लोग अच्छे से निकाल के देते हैं आपको, पूरा फ्रेश है, मतलब ग्रीनरी ग्रीनरी इतना अच्छा लगता है। आप जंगल का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना इतना अच्छा गार्डन है, इतना अच्छा मस्त लग रहा है। आप देख सकते हो कितना जोर से हवा दे रहा है एंड इसमें हम लोग आए इतना हवा में एंड इस हवा में ना एप्रिकॉट पूरा एक एक प्लांट से नीचे गिरता है। उन लोग इसे कलेक्शन करके रखते हैं। इन लोग के पास अच्छा सा एक तो है सीढ़ी जैसा चढ़ के उसको ऊपर से निकालने के लिए, क्योंकि आप लोग को मैं दिखाऊंगी, आप लोग देख सकते हो पीछे से वो लोग सीढ़ी निकाल के लेकर आ रहे। बहुत हाइट में रहता है ना, वो लोग इसे से निकालते। देखिए बाल तो मेरा इधर से उधर चले जा रहा है, इतना हवा दे रहा जोर से, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे हस्बैंड एंड बच्चा क्या कर रहे हैं उधर। नाना आप लोग देखिए इन लोग जोर शोर से लगे है जो आप चेरी निकालने के लिए प्लांट से। और यहाँ पे नीचे देखिए मेरे बेटा पूरा बैठ ही गया है नीचे। तो इस तरह से हम लोग यहीं पर आके लेकर जा रहे हैं यहीं से। एंड ग्रेप्स कहीं देख सकते हो, ये ग्रेप्स का प्लांट है, सर ये ग्रेप्स का जो ऊपर गया है अभी तक तो शुरू नहीं, मतलब बड़ा बड़ा साइज का खाने का नहीं हुआ, नेक्स्ट मंथ तो खाने की हो जाएगी। हम लोग यहीं से सोच रहे इस बार ग्रेप्स भी लेकर जाएंगे, क्योंकि हमको लास्ट टाइम पता नहीं थी। बहुत अच्छा है खाने को भी, बहुत टेस्ट लगता है। इधर 2 तरह का ग्रेप्स इधर इन लोग बता रहे, ब्लैक में है, रेड में है, सॉरी ब्लैक में एंड ग्रीन में। ग्रीन वाला तो बहुत टेस्टी रहता है, ब्लैक वाला थोड़ा खट्टा रहेगा आपका। आप देख सकते हो मेरी बेटा किस तरह से नीचे बैठ गया है एंड नीचे बैठ के ही निकाल रहा है। अपा आप लोग देख सकते हो यहाँ पर उज्बेकिस्तान के ये लोग एप्रिकॉट किस तरह से प्लांट से निकाल रहे। हम लोग यहाँ से आए लेने के लिए परचेस करके। देखिए हम तो मार्केट से लाते हैं, लेकिन ये जो रियल का जो मज़ा है ना डायरेक्ट प्लांट से लेकर जाने की, वो बहुत अलग है। देखिए थोड़ा थोड़ा पक रहा है, मतलब आज ले तो आप कल उसको खा सकते हो, 2-3 दिन के तरह भी कुछ कुछ पक जाए, कुछ काल पक जाएगा तो अच्छा रहता है। मार्केट में क्या है ना आपको पूरा पकने का मिलता है। ये देखिए एक छोटा बच्चा भी है जिसका मम्मी निकाल के दे रही है हमको। देखिए हम इन लोग किस तरह से निकाल के देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए मुझे तो। एप्रिकॉट एंड चेरी, हम चेरी भी परचेस करके इनसे ले रहे हैं एंड एप्रिकॉट भी ले रहे हैं। मतलब ये पास का जो चेरी एंड एप्रिकॉट का गार्डन है मैं आप लोग दिखाता हूँ, देखिए कितना पास है। खा के दिखाता हूँ आप लोग कितना टेस्टी रहता है ये, आपको बहुत। देखिए मैं प्लांट से निकाल रही हूँ यहाँ पर, बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत स्वीट है, बहुत अच्छा लगता है इन लोग। और मतलब सबकी यहाँ पे गार्डन रहती है, वो लोग गार्डन में लगाते हैं फ्रूट्स। देखिए इतना हमारा बैग फुल हो गया है, मैं नीचे दिखा रही हूँ, देखिए मतलब लोग कुछ नहीं ऐसा। आप मार्केट से लाने से अच्छा इन लोग से लेके जाओ, फ्रेश फ्रेश मिलती है मार्केट में, क्या ना आपको फ्रोजन मिलती है। तो हमको पता नहीं थी, हमको कोई बताया यहाँ से इस तरह से आप लेके जा सकते हो, इसलिए हम लोग आके यहीं से लेकर जा रहे हैं। यहाँ की जो आका है जो हमको दे रहे, आप देख सकते हो पीछे यहीं पर है, ये इस गार्डन का ओनर है, हम उनसे ऐसा लेकर जा रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लगता है हमको,
अरे यहाँ के लोग ना इतना अच्छा ट्रीट करते हैं ना इंडियंस को, मैं क्या बताऊँ। बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। देखते ही मतलब हम लोग विश करने से पहले उन लोग विश कर लेते हैं नमस्ते करके, और पूछते रहते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान ऐसा पूछते हैं। आप लोग बताते हैं हिंदुस्तान और ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। एंड हम लोग सिंदूर लगाते हैं उसके बारे में पूछते हैं, ट्रेडिशन के बारे में पूछते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अभी हम लोग का हो गया, अभी हम लोग निकल रहे। बाय बाय चिन्नो, आ जाओ, आपको इधर रहना है क्या? आ जाओ। अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी हम लोग आकर का बोल के जाएंगे यहाँ पर। आप लोग देखिए इनका गार्डन कितना अच्छा है, कितना ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर दिख रहा है। और ये देखिए ऊपर में जितना है ग्रेप्स है, और मेरी बेबी को तो जाने के लिए बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर बोल रहे नाना 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 ऐसा बोलते रहता है। आ जाओ चिन्नू, आ जाओ स्लो, आ जाओ। यहाँ पर देखिए किस तरह से हम लेके जा रहे हैं, इतना अच्छा गार्डन है। यहाँ पर एप्पल भी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये एप्पल का प्लांट है, देखिए एक एप्पल निकल गई, ग्रीन एप्पल है ना, ग्रीन है ना, ग्रीन नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन ऐसा ग्रीन कलर में आया, ग्रीन रेड कलर हो जाएगा क्या? ना ना बस है, मत निकालिए आप, अभी नहीं हुआ ना। देखिए कितना अच्छा सा है, अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है इधर का गार्डन। देखिए कितना जितना प्लांट में पूरा भर भर के एप्पल है, इतना अच्छा लग रहा है। देखिए आका अभी हम लोग को निकल के भी एप्पल दे रहे हैं यहाँ पर। हेलो हाउ आर यू, पूछो। फाइन फाइन वो बोल देता है, फाइन फाइन। चलो आका को सलाम करके आ जाओ, आप आका को सलाम करो। बाय बाय, नमस्ते आका। चलो चलो बबलू, आप चलिए। ये था हमारा ऐसे आज का ब्लॉग, जहाँ पर मैं सोची कि आप लोग को भी दिखाऊं, जहाँ हम लोग जा रहे चेरी लाने के लिए एंड एप्रिकॉट लाने के लिए। मतलब आप लोग भी थोड़ा देखेंगे कि उज्बेकिस्तान में कैसा रहता है, उन लोग कैसा ट्रीट करते हैं, किस तरह सा इनका फ्रूट्स का गार्डन कैसा रहता है। मैं एक दिन तो आपको पूरा गार्डन का टूर करके जरूर बताऊंगी। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे हम उनसे परमिशन लेंगे, परमिशन लेके पूरा अच्छे से वीडियो बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। क्योंकि अभी थोड़ा इवनिंग हो गया ना, जब अंधेरा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हम जल्दी जल्दी आ जा रहे। क्योंकि मतलब बाहर आने के बाद आपको थोड़ा लाइटिंग आता है, लेकिन इसके अंदर गार्डन के अंदर मैं देख रहा हूँ पूरा धूप धूप, मतलब धूप भी नहीं आ रही, पूरा अंधेरा अंधेरा लग रहा है, तो लाइटिंग अच्छा नहीं आ रही। थोड़ा और जल्दी आएंगे, 5:30 को आएंगे तो होगा, अभी तो 7:00 हो रहा है टाइम। 7:00 में आपको इतना धूप, मतलब इतना लाइटिंग है, धूप भी है, देखिए इसके अंदर कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि पूरा भर भर के चेरिए। मैं आपको क्या बताऊँ, देखिए मज़ा ही मज़ा है इस तरह से गार्डन में, तो बस खाओ अच्छा लगता है। बस यही था आज का इस ब्लॉग। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको इन लोग का कैसा लगता है लाइफ स्टाइल इनका, ये एप्रिकॉट और चेरी का गार्डन आपको कैसा लगा। और इन लोग प्लांट को इस तरह से इतना अच्छा रखे हैं ना, इतना अच्छे से इनका जो वाटर मतलब पानी सप्लाई करने का सिस्टम प्लांट को, वो भी बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग को कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।